कुंभ 2019 के लिए पहली बार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु जो लोग आते हैं उनके लिए, और जो वैसे भी अगर पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं उनके लिए भी जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वो इस प्रकार से हैं। चार हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉन्टून, फ्लोटिंग टर्मिनल कह सकते हैं आप उनको, बनाया है। इला घाट, ओल्ड नैनी ब्रिज, सुजावन घाट और सरस्वती घाट। IWI का जो जहाज है CL कस्तूरबा, वो 150 से 200 लोगों को एक बार में वो लोड ले सकता है। वो आ चुका है, आप लोग उसी पर अभी चल के आए हैं, और बहुत ही सेफ और सिक्योर जहाज है ये। और ये मेरी गो राउंड के तरफ ये चारों घाटों पर चलता रहेगा। सुबह 4 बजे इसकी सर्विस शुरू हो जाएगी और रात में 8 से लेकर करीब करीब 9 बजे तक भी ये चल सकता है। क्या है कुल मिलाकर कुंभ 2019 को भव्य दिव्य बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो उसके द्वारा एक यहाँ पर 4 जेटी बनाई गई है जमुना नदी में, सुजावन घाट, सरस्वती घाट, नैनी और किला घाट। तो ये चारों जेटी के माध्यम से इनकी जो कस्तूरबा वेसल है जिस पर अभी हम लोग हैं जमुना नदी में, ये कस्तूरबा वेसल चलाई जाएगी। इसके अलावा 20 मोटर बोट इंगेज की गई हैं 4 वेंडर्स के माध्यम से, वो मोटर बोट भी चलाई जाएंगी यात्रियों की सुविधा के लिए। जहाँ तक किराए की बात है, किराया मोटर बोट चलाने वाली एजेंसी के माध्यम से ADA द्वारा जो पहले से निर्धारित किराया है उसका अध्ययन करने के बाद से किराया निर्धारित कर दिया गया है। 200 रुपये से 1200 रुपये किराया है, 1200 रुपये सुजावन घाट से संगम तक का है। तो ये एक व्यवस्था दी गई है, किराया जो टिकट है, टिकट की व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की गई है।